ये बताओ तंग तो नहीं कर रहे हो आजकल नामा को? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ऐसा हो सकता है ना करें तंग? अरे मतलब सुन बात क्या है? हाँ तो थैंक यू फॉर द गिफ्ट। वेलकम। तारा घर का चक्कर लगा ले जरूर। तुम भी खुदा हाफिज। चलो चलो बैठो, जरूर पूछेगा जी। मम्मा जरा सी बात वो दिल पे ले गया। ये जरा सी बात है? तुम उसकी माँ और चची के साथ बदतमीजी करो और वो खफा भी ना हो। पर मेरा बाजू जला हुआ था उस वक्त और तुमने सोचा कि तुम्हारा बाजू जला हुआ है तो उनके दिल जला दो। आप मेरी साइड पे हैं या आप मेरे ससुराल वालों की साइड पे हैं, पहले ये बताएं। देखो बेटा, मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो बेटियों की गलत बातों पर उनको शह दें। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उस फ्लैट पर आने की? तो और क्या करती, हर बात पे रोक टोक से तंग आ गई थी मैं। देखो रूमी, गलत बात मत करो। जितना मैं जानती हूँ तुम्हारे ससुराल वालों को, वो इतने तंग नजर नहीं है। तो फिर मैं क्या हूँ? तुम इंतहाई बेवकूफ, इमोशनल और मुंह पाटो। अभी जाओ और जाकर सबसे सॉरी करो। आपसे तो बात करनी बेकार है। एक तो आशु बगैर नाश्ता किए चला गया, उस पर से आप मुझे बातें सुनाई जा रही है। मैं नहीं बात कर रही आपसे। रूमी, बेटा आराम से खाओ ना। क्या हुआ, कोई पीछे पड़ा है क्या तुम्हारे? कुछ पता नहीं, आ जाओ बना पीछे से। आशु बहुत ही बुरी बात है। अरे वो बीवी है तुम्हारी, अगर तुम इज्जत नहीं करोगी तो कोई भी नहीं करेगा। सफीरा भाभी, इज्जत ना खुद करवानी पड़ती है। कैसे उस दिन मुंह फाड़ के बोल दिया था उसने हमें। अरे नाज छोड़ भी दो ना उस बात का पीछा। मेरा दिल आपकी तरह बड़ा नहीं है सबको भाभी। मेरी क्लास में जा रहा हूँ। अरे दूध तो पी लो। रोई नहीं जा रही क्या? रूमी जाएगी अब कनाडा मुस्तकिल। पागल तो नहीं हो गया ये लड़का? अस्सलाम वालेकुम। आप इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? ताकि बात कर सकूं आपसे। सोच ले, अंदर से कोई आ गया तो उनसे क्या बात करेंगे आप? तो उन्हें बता दूंगा ना, कंफर्मेशन के लिए आया हूँ अपने प्रपोजल की। सोच ले, जवाब मिल जाएगा आपको। रिश्ते से? नहीं, ट्यूशन से। वो तो मैं दूंगा जवाब, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी जगह जॉब हो गई है। कांग्रेचुलेशंस, काफी अच्छा खेल लेते हैं आप। एटलीस्ट फीलिंग्स के साथ नहीं खेलता जैसे आप खेलती हैं। मैंने कब खेला है फीलिंग्स के साथ? परसों से टेस्ट मैच शुरू कर तो रखा है आपने। और आप अभी से घबरा गए? घबराई तो आप है, जब तो मुझसे भाग रही है। मोहित सर, मुझे मेरे बाप ने हर काम करना सिखाया, बस मैदान छोड़ के भागना नहीं सिखाया। अच्छा। माला जल्दी से आओ, मत्ती से को गाड़ी निकालें। क्या हुआ है? वो बाबू भैया की हार्ट बीट बहुत गड़बड़ कर रही है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है, जल्दी करो। पर मच्छू तो सलीम चाचा के साथ गया ना, कैटरिंग का ऑर्डर आया, गाड़ी तो नहीं है घर पे। आप फिक्र ना करें, मेरी गाड़ी है ना, हम उसमें ले चलते हैं। हाँ चाची, ये सही कह रहे हैं आप। एक काम करें, गाड़ी स्टार्ट करें, हम बाबूजान को लेके आते हैं। आ जाओ, तुम गाड़ी स्टार्ट करो बेटा। जी